नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F22 वर्सेस Infinix Note 10 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy F22 में 6.3 इंच जबकि Infinix Note 10 में 6.82 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy F22 में 2.91 इंच जबकि Infinix Note 10 में 3.1 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy F22 में 0.37 इंच जबकि Infinix Note 10 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy F22 में Super AMOLED जबकि Infinix Note 10 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy F22 में 6.4 इंचेस जबकि Infinix Note 10 में 6.95 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy F22 में 720x1600 और Infinix Note 10 में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy F22 में 83.52% जबकि Infinix Note 10 में 84.28% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy F22 में 274 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Infinix Note 10 में 387 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy F22 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Infinix Note 10 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy F22 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Infinix Note 10 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G52MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy F22 में MediaTek Helio G80 और Infinix Note 10 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy F22 में अप टू 1TB जबकि Infinix Note 10 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy F22 में 6000 mAh जबकि Infinix Note 10 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy F22 में 2 कलर्स जबकि Infinix Note 10 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy F22 की 12,499 रुपीस जबकि Infinix Note 10 की 10,999 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy F22 आगे है
मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी F22 आगे है, इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है, दूसरा है जो कि 14,890 रुपए में मिलता है, तीसरा है जो कि 14,990 रुपए में मिलता है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A02s है जो कि 13,210 रुपीज में मिलता है, और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।